तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे आप लोग आए? होप सब बढ़िया होंगे। तो चलो यार, आज एक नई वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। रिएक्शन देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो मेरा पर्सनली फेवरेट यूट्यूबर है। जब मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट करा था ना, तो मैंने सबसे जो पहली वीडियो थी वो भुवन भाम की थी। जब मैंने सबसे पहली वीडियो देखी थी तो मेरा सबसे फेवरेट है। मैं वेट करता हूँ कब इसकी वीडियो आए और मैं उस पर रिएक्ट करूँ, क्योंकि मेरा ये फेवरेट यूट्यूबर है नंबर वन पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर। मिलते हैं आपको वीडियो के बाद। तब तक आपको करना क्या है, बीबी के जो फैन है ना, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलते हैं वीडियो के बाद, देखते हैं आप लोगों की वीडियो कैसी लगती है। चलो, बोल देते फैमिली के साथ बाहर गए थे। अभी नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना टीचर्स छुट्टी अलाउ कर देंगे। तो फिर क्या करें? हुआ क्या यार, टीचर्स बहुत होमवर्क करवाते हैं और पढ़ पढ़ के वैसे परेशान हो चुके हैं। और वैसे भी एग्जाम से एक महीना पहले कौन स्कूल जाता है? कौन गरम गरम रजाई से बाहर निकले? सही बात है। मैं तो तकिए को कड़ल करके सो जाता। तेरी जिंदगी में और है ही क्या कड़ल करने के लिए, इसको कोई समझा? किससे बात कर रहा है? मैं ही हूँ यहाँ पे, मुझे भी नहीं समझा। समझा, तुम लोग नहीं समझोगे। ये क्या है? बियर्डो का डार्क साइड परफ्यूम। देखो देखो देखो, क्या बवाल है ये, है ना गजब, लॉन्ग लास्टिंग है। हेलो, एटलीस्ट इसका परफ्यूम तो लॉन्ग लास्टिंग है। इससे तुम्हारी डार्क साइड भी डिस्कवर होगी। मतलब वहां लगाएंगे तो जलन नहीं होगी? वहां कहां? डार्क साइड। चुप करो, बियर्डो की वेबसाइट पे जाके कूपन कोड में बैंचो लिख दियो, भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। कडल तुझे फिर भी नहीं मिलेंगे। अरे मेरे डीएम्स में बहुत न्यूड्स आते हैं। इसने नंगी के नाम पे सिर्फ नंगी तारे पकड़ी हैं। ओए 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 ओए, मेरा फेवरेट है यार। मास बंक करें। मास बंक कैसे? सबको कन्विंस करेंगे ना एक साथ छुट्टी लेने के लिए। बैंचो क्रिकेट के लिए सबको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, मास बंक के लिए कैसे कन्विंस करेंगे? अबे ये मास बंक है, हर बच्चे का सपना होता है मास बंक, हर बच्चे का अधिकार होता है मास बंक। अकेले अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में टीचर की गाली खाने का मजा होता है मास बंक। किताबों से कुछ पल के लिए आजादी पाने का जरिया होता है मास बंक। वेट गेनर होता है मास बंक, चूतिए वो एंडुरा मास होता है। अगर गांधी जी का असहयोग आंदोलन वेब सीरीज था तो ये मास बंक एक मिनी सीरीज है। और इस मास बंक को उसके अंजाम तक कौन लेके जाएगा? सैमसंग इस व्हाट्सएप। भुवन बेटा, इस महीने एक बहुत बड़ा पत्थर हमारे ऊपर गिरने वाला है। हाँ, तो फिर नहीं जाएंगे उस रोड से? अरे वो वाला नहीं, अंतरिक्ष से। नासा वालों ने बोला है दिल्ली पे फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा पत्थर गिरने वाला है। कब बोला? व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। पापा कहाँ व्हाट्सएप की बातों पे विश्वास करते हो यार, पिछले हफ्ते भी आपने वो मैसेज भेजा था यूनेस्को वाला कि यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड अनन्य पांडे एज द बेस्ट रगलर। तो गलत कह रहे हैं पापा, व्हाट्सएप पे सब सच नहीं होता। फिर तो नासा वाली फोटो भी गलत होगी जिसके अंदर पूरा भारत दिवाली में जगमगा रहा है। किसने भेजी थी? रोहित मेहरा के बाप ने। चुप कर जा और आज जल्दी सो जाइयो, कल स्कूल जाना है। वैसे भी ठंड में दिन छोटा हो जाता है। सिर्फ दिन छोटा नहीं मतलब। हाँ पापा आप जाओ, मैं सो जाऊंगा। हाँ और क्या बोल रहे हैं यूनेस्को वाले, तू पागल तो नहीं हो गया? अभी सुशांत की मौसी को उसके पापा के साथ बच्चा हुआ है। क्या? मुझे अभी साक्षी का व्हाट्सएप आया। सुशांत ने तो मुझे पर्सनली बताया था कि उसकी मौसी को लड़का हुआ है, उसके पापा तो बस हॉस्पिटल देखने गए थे। झूठ बोल रहा होगा छुपाने के लिए। मुझे तो व्हाट्सएप आया। सुन 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 सुन, एक व्हाट्सएप चेन बनाते हैं। अभी कहाँ खुले होंगे वेल्डिंग वाले, इसके दिमाग में जंग लगा हुआ है। अबे हैन मतलब हैन, हैन लोहे की हैन नहीं, हैन हैनी हैनी हैन फेमस वालो हैन व्हाट्सएप की हैन। आप प्लीज रहने दें। तू एक काम कर, तू साक्षी को व्हाट्सएप कर कि कल पूरी क्लास मास बंक कर रही है और उसको बोल ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दे सबको। रीजन क्या देना है, टीचर्स ने पूछ लिया तो? हाय गाइस। हाय हाय। अबे चूतिए लिख। अच्छा, वी एज अ यूनाइटेड सेक्शन हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ मास बंक टुमारो। Everyone's cooperation will be appreciated. This mass bunk is surely better than standing in the morning queue. Queue की spelling क्या होती है? Q U E X. अबे dictionary पे पढ़ी ग्रह शोभा। चुप। एक ये नहीं, Q U E. अबे तू लिखना है यार। रीजन ये है कि भुवन को खांसी हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो पूरी क्लास उसको देखने गई है। टीचर्स मानेंगे मैच? खांसी तो किसी को भी हो सकती है। नहीं, इतने सारे बच्चे तेरे को देखने जा रहे। भेज दिया भेज दिया। अब तू देखता जा, तूने भेजा साक्षी को, साक्षी भेजेगी हेमा को, हेमा भेजेगी रेखा, रेखा से जया, जया से सुषमा, फिर नील, नील भेजेगा नितिन को, फिर भेजेगा मुकेश को। ऐसे करके पूरी क्लास में पता चल जाएगा कि कल मास बंक है। गूसबम्प्स आ रहे हैं यार। बैचो बचपन से कुछ ऐसा एडवेंचरस करना था, अब हम दोनों लीडर्स कहलाएंगे। ऐसे लीडर्स जिन्होंने अपने दिमाग और एक व्हाट्सएप मैसेज के बलबूते पे पूरा मास बंक रच दिया। झुरझुरी छूट रही है। यही तो है व्हाट्सएप की ताकत, आग की तरह मैसेज फैलता है। फैल गया मयंक का मैसेज। बच्चे, 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 बच्चे,
We as a united section have decided to go on a mass bunk tomorrow. Everyone's cooperation is appreciated. Bhuvan ke papa ko kutte ne kaat liya aur wo hospital mein marne wale hain. Sab guldasta leke pahunch. Tune kya likha hai? Nahi bencho, jo tune bola tha wahi likha tha. Bahut baar ghat gayi ye ghatna. मुसीबत आने पे गांड का फटना। अरे मुझे सब ऑफिस वालों के मैसेज क्यों आ रहे हैं? क्या बबलू जी, आप मर जरूर गए हैं लेकिन हमारे दिलों में जिंदा हैं। ये श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए। खैर मुर्दा क्या ही स्वीकार करेगा। क्या है ये बेटा? पापा आपको बताया था ना कि व्हाट्सएप पे अफवाह उठती है, डिलीट कर दो फालतू है। इसका मतलब सुशांत की मौसी को उसके पापा के साथ बच्चा नहीं हुआ। किसको? कुछ नहीं। हेलो, हाँ जी हाँ जी, जिंदा हूँ यार, मुर्दा थोड़ी बात करेगा, किसी बात की क्या करे। सो व्हाट्सएप की वजह से बबली सर का फोन आ रहा है। सबको बोल मास बंक कैंसिल। हाँ सर, मास बंक कैंसिल। तू नहीं तो बोला सर को बोल मास बंक कैंसिल। अबे सबको बोल, सबको। ये व्हाट्सएप है बेटा, इस पे रूमर तब तक फैलता है जब तक ट्यूमर ना बन जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये भी पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मेरे को क्या लगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ इस वीडियो के बारे में। मेरे को यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। और भुवन की वीडियोस में ना एक चीज़ कॉमन होती है कि मतलब लोग जो वीडियोस बनाते हैं ना उसमें एंटरटेनमेंट होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट। लेकिन भुवन जो वीडियोस बनाता है ना उसमें एक मैसेज भी होता है कोई ना कोई, अगर आप देखो उसको समझो। तो इसमें यही मैसेज था कि व्हाट्सएप बहुत आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें किसी से बात करने के लिए, हमें घर पे भी बात करनी होता है, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं कि भाई ये कर दो वो कर दो। तो यार आजकल ना व्हाट्सएप पे लोग कुछ भी भेजते हैं, समझ रहे हो, कोई भी मतलब अफवाह उसको वायरल करने के लिए एक मिनट लगता है, एक सेकंड लगता है। तो उस पे भुवन ने बात करी है, इसमें मैसेज दिया ना अच्छा कि ह्यूमर से दूर रहो, ऐसी अफवाहों से दूर रहो जो कि लोग हमें भेजते हैं, जो भी सेंड कर देते हैं। तो उसको आगे शेयर मत करो कि अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने वाली चीज़ नहीं है। तो ऑल ओवर वीडियो काफ़ी अच्छी थी यार, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी वीडियो। सारी वीडियोज़ मेरे को अच्छी लगती है भुवन सर की, चाहे वो कैसी भी हो, फेवरेट है मेरे। आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर कौन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? आपको ये काम करना सबसे पहले। और भुवन की कौन सी वीडियोज़ पर मैं रिएक्शन दूँ उस पर भी आपको कमेंट करके बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। मेरे को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मेरा जो फेवरेट करेक्टर है ना बीबी की वाइन में, वो पता है कौन है? मैं आपको करके दिखाऊंगा, समझ जाना कौन है। समीर मेरा सबसे फेवरेट है। आप लोगों का फेवरेट करेक्टर कौन सा है जो बीबी की वाइन में आपको सबसे फेवरेट लगता है? मेरे फेवरेट है, या तो मेरे दो करेक्टर, वैसे सारे मेरे फेवरेट है, लेकिन जो होता है ना सबसे अच्छा कौन सा लगता है मेरे को, टीटू मामा और ये समीर। तो ये मेरा फेवरेट है। आपको सबका फेवरेट करेक्टर कौन सा लगता है दीदी की वाइन में, आपको मेरे को कमेंट करके बताना। देखिए अभी अब चाहो तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, मैसेज करो, बातें करेंगे, ठीक है? वो आपको करना है क्या क्या, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। और मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो, बताओ वीडियोज़ मैं किस पर लेके आता रहूँ, तो फटाफट वीडियो आती रहेगी। ये आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी, जिस पर आप बोलोगे उस पर वीडियो मिलेगी। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।